Hi, dear students. Today we are going to read the chapter The Sound of Music, Part 1. This chapter is about a girl, Evelyn Glenn, who was deaf and could not hear anything, but still she became a famous musician. This chapter was originally an interview that was taken by Deborah Kowler, and later on, that interview was converted into a chapter. So let us start reading it and learn that about that interesting girl. So, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. So, this picture is of this is a picture of Avalyn. ग्लिन सो दिस कोट वॉज गिवन अबाउट हर बाय द इंटरव्यूअर हु द बिगिनिंग ऑफ वाइल ही गेव अ रिटर्न फॉर्म टू दैट इंटरव्यू रिटर्न मे बी इट्स क्वाइट पॉसिबल दिस इज थिंग दैट गॉड ने उससे उसकी सुनने की पार्स छीन ली बट उसने उसे ऐसा कुछ दिया एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीन्स समथिंग बियन्ड ऑर्डनरी मीन्स ज़्यादा अद्भुत चीज़ अब उसने को भगवान ने कुछ ऐसा दे दिया ऐसी अद्भुत चीज़ दे दी अब कौन सी दी है वॉट वी हीयर शी फील्स जो हम चीज़ सुनते हैं वो उनको फील करती है फार मोर डीपली देन एनियोफास हम में से किसी से भी बहुत बहुत अच्छे ढंग से वो उसको फील करती है दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसिज म्यूजिक सो ब्यूटिफुली और यही रीज़न है कि वो म्यूजिक को इतनी अच्छी से एक्सप्रेस कर पाती है दर्शा पाती है दिखा पाती है या सुना पाती है रश आर क्राउड्स जॉस फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर दैन हर सेवनटीन ईयर्स वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन सो जौसल मीन्स पुश राफली सो हियर शी इज स्टैंडिंग अ स्मॉल गर्ल एक पतली सी स्लाइट मीन्स स्मॉल एंड थिन तो जॉसल का मतलब है पुश राफली के बुरी तरह से किसी को धक्का देना तो so, एक लड़की है जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और वो लड़की कैसी है स्मॉल एंड थिन ठीक है और वो वहाँ पे खड़ी है जहाँ पे बहुत भीड़ भला रश आर क्राउड्स मीन बहुत ज्यादा भीड़ ऐसी मतलब ऐसी भीड़ है जो एक दूसरे को पुश कर रही है बहुत बुरी तरह से और कहाँ पे है वो कौन से प्लेटफार्म पे खड़ी है अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म वो अंडरग्राउंड ट्रेन के प्लेटफार्म पर खड़ी है और लड़की स्लाइट गर्ल है मतलब पतली सी है कमज़ोर सी है छोटी सी है और वो सेवनटीन इयर्स की लगती है या उससे भी कम की लगती है वॉज नर्वस वो अब नर्वस भी थी एंड एक्साइटेड भी थी नर्वस थी बट एक्साइटेड थी एज शी फेल दाइब्रेशन्स ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन सो अप्रोचिंग मीन्स कमिंग सो उसको वो ट्रेन के आने की उसको वाइब्रेशन आ रही थी शी कुड फील के ट्रेन आ रही है अप्रोच कर रही है वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आ रही है इट वॉज़ हर फर्स्ट डे एट द प्रस्टीजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन और उसका ये फर्स्ट डे होना था प्रेस्टिजियर रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जो कि लंदन में है ये रॉयल अकेडमी एक तरह की म्यूजिक की अकेडमी है जहाँ पे कोचिंग दी जाती है तो ये लंदन में है डोंट टी एनअ फॉर एनी टीन एजर एनी टीन एजर मीन्स अ पर्सन हु इज इन हेज टीन्स मीन्स जो सेवनटीन एटीन यू कैन सी के जो सिक्सटीन फिफ्टीन तो ये टीन लास्ट के लिया से गया है तो टीन एजर मीन्स जो अपनी टीन्स में हो मतलब थर्टीन फोर्टीन उनको टीन्स बोलते हैं हम तो लाइक शी वॉज इन सेवनटीन ईयर्स शी वॉज सेवेंटीन ईयरस ओल्ड तो इन द सेम वे तो उसका फर्स्ट डे होना था प्रेस्टिजिय रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में और डॉन्टिंग मीन्स कैरी तो वो थोड़ी डरी भी हुई थी क्योंकि कोई भी एक ऐसा टीन एजर जो कि फ्रेश हो और बिल्कुल उसको कोई और एक्सपीरियंस ना हो और वो कहाँ की रहने वाली थी स्कॉटलैंड की स्कॉटलैंड एक छोटा सा एरिया है छोटी सी सिटी है जो कि स्पेशली फार्म्स के लिए फेमस है वहाँ पे कंट्री साइड ही है मतलब ज़्यादा फार्म्स हैं तो शी वॉज गोइंग टू लंडन जो कि एक बड़ी सिटी है तो वो थोड़ी नर्वस थी क्योंकि वो छो छोटे से एरिया से थी छोटी सी सिटी से थी अब वो बड़ी सिटी में जा रही थी तो दैट वाज़ शी वाज़ क्वाइट नर्वस बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट शी वाज़ प्रोफाउंडली डेफ अब उसको अब ये तो एक प्रॉब्लम थी ही बट उससे ज़्यादा क्या था एस्पायरिंग म्यूजिशियन का मतलब क्या था अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन बट इस लड़की को जो कि म्यूजिशियन बनने जाती थी बनना चाहती थी उसके सामने एक और बड़ा चैलेंज था वो क्या था दैट शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ प्रोफाउंडली डेफ मीन्स एब्सोल्यूटली तो वो पूरी तरह डेफ थी बहरी थी वो कुछ सुन नहीं सकती थी एवलिन ग्लेंस लॉस ऑफ हियरिंग हैड बिन ग्रेजुअल ग्रेजुअल मीन्स इन फेसिस मतलब एकदम से नहीं हुई पहले उसको थोड़ी सी हुई फिर थोड़ी उससे ज़्यादा हो गई फिर उससे ज़्यादा हो गई एंड देन कम्प्लीटली शी लॉस्ट ऑफ हर लॉस्ट हर हियरिंग तो उसकी पहले वो फेसिस में उसको सुनना बंद हुआ हर मदर रिमेम्बर्स नॉट टी सिंग समिंग वॉज रॉन्ग वेन द एज ईयर ओल्ड एवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो अब उस मद, उसकी मदर याद करती है कि उसने कब पहली बार नोटिस किया था जब एट इयर्स की थी एवेलिन एंड वो वेट कर रही थी कि पियानो बजाना है दे कॉल्ड हर नेम मतलब शी वो स्टैंडिंग इन अ लाइन और अपना वेट कर रही थी कि उसको उसकी टर्न आएगी पियानो बजाने के लिए दे कॉल्ड हर नेम अब जिन्होंने उसको सिखाना था उन्होंने उसका नाम लिया एंड शी डिन मूव और बट एवलिन बिल्कुल मूव नहीं हुई आई सडनली रियलाइज शी हैड एंड हर्ड तो वो कहती उसकी मदर रिकॉल करती है कि उसने रियलाइज़ किया मैंने रियलाइज़ किया कि उसने कुछ सुना नहीं है सेज इजाबल ग्लैन ईजाबल ग्लैन इज द नेम ऑफ हर मदर उसकी मदर का नाम है इजाबल ग्लैन तो शी सेज उसकी मदर बताती है कि वो एट ईयर्स की थी जब उसको सुनना बंद हो गया था मतलब थोड़ा थोड़ा सुनना रह गया था सुनना सुनता था फॉर क्वाइट अ वाइल्ड एवलिन मैनेज टू कंसील्ड हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स अब जैसे मैंने पहले बताया कि वो एकदम से डेफ नहीं हुई थी एकदम से उसका सेंस ऑफ हियरिंग बंद नहीं हुई इट वॉज इन फेसेस वो धीरे धीरे उसका कम होता गया सुनना तो थोड़े टाइम तक जो एवलिन थी वो अपने फ्रेंड्स और अपने रेलेटिव से अपने टीचर्स से अपना जो बहरापन जो उसको बहरा हो रही थी वो डेफ हो रही थी वो उससे छिपाने की कोशिश करती रही तो कंसील मीन्स वो है हाइड तो शी वॉज ट्राइंग हार्ड के उसके फ्रेंडजन उसको पता ना चले क्योंकि अदरवाइज देर बी मेकिंग फन ऑफ आर बट बाय द टाइम शी वॉज इलेवन हर मार्क्स है डिटलॉटेड डिटेड मीन्स रिड्यूस्ड तो जब वो इलेवन की हुई तो उसके मार्क्स कम हो गए एंड हर हेड मिसट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट सो स्पेशलिस्ट माइंस अ पर्सन हु इज स्पेशल इन एनी ऑफ द बॉडी पार्ट जिसको जो किसी बॉडी पार्ट के बारे में सारा नॉलेज हो तो वो उसको बोला उसके जो हेड मिस्ट्रेस uh, थी उन्होंने उसके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करी कि इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हेयरिंग वॉज सवेयरली इम्पेयर एम्पैक्ट मीन्स वीक एंड तो ये तब पता चला कि उसकी तो जो सुनने की कैपेसिटी uh, थी एबिलिटी uh, थी वो बिल्कुल ही वीक हो चुकी थी पूरी तरह से बहुत बुरी तरह से वीक हो चुकी थी एज ए रिज़ल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज क्योंकि उसकी जो सुनने वाली नर्व थी वो डैमेज हो गई थी देवर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स तो उन्होंने एडवाइज़ किया कि उसको कुछ उसके कान में हियरिंग एड फिट कर दी जाए एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर एफ और जो बहरों के लिए स्कूल है वहाँ पे उसको एडमिट कर दिया जाए एवन एवरी थिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन तो वो कहती है एवलिन अपनी रिकॉल करती है कि उस टाइम पे मेरे लिए सब कुछ अंधेरा सा छा गया था बिल्कुल मुझे क्योंकि शी वॉज नॉट एबल टू हियर एनी थिंग एंड शी वॉज इमेजिनिंग कि हाउ द पीपल विल बी थिंकिंग अबाउट हर हाउ द पीपल विल बी बिहेविंग टूवर्ड एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट हर ड्रीम ऑल्सो बिकॉज शी वटेड टू अ म्यूजिशियन सो उसके लिए उस टाइम पर बिल्कुल आंखों के सामने वो बिल्कुल आ, कुछ समझ नहीं पा रही थी कुछ सोच नहीं पा रही थी तो एक तरफ से उसके लिए हर जगह पूरा अंधेरा आँखों के सामने छा गया था देन बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप बट जो एवेलिन थी वो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ने वाली थी गिव अप मीन्स हौसला हारना या हिम्मत छोड़नी शी वॉज डिटन माइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ और वो अब उसने निश्चय कर लिया था कि वो एक नॉर्मल लाइफ ही जिएगी एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक म्यूज़िकस्यू मीन्स टू फॉलो तो वो उसने उसका जो इंटरेस्ट था वो कहती मैं उसको पूरा करूँगी उसी फील्ड में जाऊँगी वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ जायलोफोन तो एक दिन उसने देखा कि एक जो गर्ल है वो जायलोफोन बजा रही है हैलोफोन इज दिसवान दिसवान इज़ द ज़ायलो फोन तो उसने देखा कि वो जायलो प्ले uh, कर रही है एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू और उसने डिसाइड किया कि मैंने भी ये बजाना है मोस्ट ऑफ़ द टीचर्स डिसक्रेज बट हर हर बट बटनिस्ट प्रकर्शनिस्ट होता है अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम द तबला एटसेट्रा अ प परसन हु प्ले डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो प्रकाशनिस्ट मतलब ज़्यादातर टीचर्स ने उसको क्या करा डिस्करेज करा कि आप तो डेफ हो आप तो बजा ही नहीं सकते आप इंस्ट्रक्शंस नहीं समझ पाओगे तो so, एक प्रकाशनिस्ट था डैट वॉज उसका नेम था रॉन फॉब्स तो एक ऐसा इंसान जो ड्रम बजा सकता है तबला बजा सकता है जो अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है उसको परकशनिस्ट परकस्ष, बोलते हैं तो so, और उसका नाम था रॉन फॉब्स तो उसने उसकी एबिलिटीज देखी पोटेंशियल मीन्स क्वालिटी और एबिलिटी दैट कैन बी डिवेल्प उसने देखा कि इसमें ये जो क्वालिटी है वो डिवेलप की जा सकती है उसमें पोटेंशियल ये है और इसको हम आगे लेके जा सकते हैं ही began by ट्यूनिंग टू लार्ज drums ऑफ डिफरेंट नोट्स तो उसके जो टीचर थे उन्होंने क्या करा रोन फॉब्स ने उसने दो ड्रम्स लिए ठीक है ये एक ड्रम था ये दूसरा ड्रम था तो उसने ऐसे इन दोनों पे अलग अलग बीट्स बजाने शुरू करी अलग अलग नोट्स बजाने शुरू करे मतलब यहाँ पे मान लो यहाँ पे जोर जोर से मारना शुरू करा फिर यहाँ पे धीरे धीरे मारना शुरू करा तो मतलब अलग अलग ट्यून्स बजाने ही शुरू करें इन पर अलग अलग नोट बजाने शुरू करें अलग अलग तरह के साउंड्स प्रोड्यूस करें डोंट लिसन थ्रू योर आइज ईयर्स डोंट लिसन टू थ्रू योर ईयर्स ही वुड से तो वो क्या कहता था कि अपने कानों से मत सुनो ट्राई टू तो सेंस इट सम अदर वे इसको फील करने की इसको महसूस करने की कोई और ढंग से इसे महसूस करो सेज एवलिन तो एवलिन बताती है कि उसके टीचर ने यह कहा था कि इसको किसी और तरह से महसूस करना शुरू करो सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट ऑफ एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन तो जब उसका टीचर जो फॉर्ब्स थे वो जब जोर से बजा रहे थे तो वो फील कर रही थी वेस्ट के ऊपर से मतलब जो हमारी कमर होती है वो उसके ऊपर उसकी वाइब्रेशंस को फील कर रही थी और जब उसके टीचर जो थे वो धीरे से बजा रहे थे तो वो वहाँ कहाँ पे वाइब्रेशन फील कर रही थी अपने वेस्ट के डाउन मतलब लेग पार्ट में शी वॉज फीलिंग द नोट्स फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज तो फोब्स क्या करते रहे बार बार ऐसे ही अलग अलग नोट्स बजाते रहे एंड सून एवरलिन डिस्कवर्ड डिस्कवर डेट शी सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी तो उसने रियलाइज़ किया कि वो अलग अलग नोट्स अ, अलग अलग अपनी बॉडी पार्ट में फील करती है आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंडस एंड वाइब्रेशंस मैंने क्या सीखा मैंने अपना माइंड और अपना शरीर को साउंड्स एंड वाइब्रेशंस के लिए तैयार कर लिया मैंने उनके थ्रू मैंने सीखा है द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क और बाकी क्या थी शेयर डिटर्मिनेशन मतलब जब आप पूरा अपना मन बना लेते हो तो मतलब अब उसने पूरा निश्चय करा हुआ था कि मैंने ये करना है और उसकी मेहनत तो ये दो चीज़ें थी जिसकी वजह से उसको वो उसमें इतनी अच्छी वो म्यूजिशियन बनी इतनी वर्ल्ड वाइड फेमस बनी देन शी नेवर लुक बैक फ्राम द डैट पॉइंट ऑफ ऑनवर्ड्स और जब उसने फील करना शुरू कर दिया उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा शी टूअर द यूनाइट किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा यूथ मीन्स यंग जो सेम एज के लोग होते हैं उनको यूथ बोलते हैं यंग पीपल्स सेम एज वाले यंग पीपल तो वो पहले टूअर मीन्स विजिटेड टूअर का मतलब है विजिटेड तो वो अपने पहले तो कुछ एक यूथ ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा बीज ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस तो म्यूज़िशियंस का जो ग्रुप होता है उसको ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं तो वो यूनाइटेड किंगडम की विज़िट करी उसने यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ एंड बाय द टाइम शी वाज सिक्सटीन जब वो सिक्सटीन इयर्स की हो गई शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ और उसने सोच लिया कि मैं मेरा तो जीवन ही म्यूज़िक है तो मैंने म्यूज़िक सीखना है उसी को मैंने अपना टाइम देना है उसी को अपना डिवोशन देना है शी ऑडिशनड for the royal academy of music and scored one of the highest marks in the history of the academy ab audition gave a short performance audition ka matlab hota hai gave a short performance so that the director could decide whether she was good enough तो audition क्या होता है आपने सुना होगा कि जब किसी को cast करना होता है फिल्म में तो जो actors होते हैं वो थोड़ा सा audition देते हैं मतलब अगर उन्होंने सपोज अगर कोई म्यूज़िक उसका है म्यूजिक कंपटीशन uh, है तो पहले उसके लिए आ, पहले क्या होता है पहले उसका ऑडिशन दिया जाता है मतलब वो थोड़ा सा सुनाते हैं और उसके बाद जो डायरेक्टर्स uh, होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इस बंदे को रखना है या नहीं रखना है तो दैट इज़ ऑडिशन तो उसका ऑडिशन लिया गया किसके लिए फॉर रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड उसका क्या रिजल्ट निकला उसका रिजल्ट था स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी एकेडमी में जो अच्छे मार्क्स थे उनमें से एक उसके थे शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस ऑर्केस्ट्रल वर्क मीन्स ग्रुप ठीक है तो वो ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस से वो सोलो परफॉर्मेंस पे आ गई सोलो मीन सिंगर तो उसने धीरे धीरे क्या करा पहले तो वो ग्रुप में कर रही थी ग्रुप म्यूजिशियस के ग्रुप में अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी तो उसने डिसाइड किया कि बाद में कि वो सोलो परफॉर्मेंस देगी अकेली परफॉर्म करेगी एट द एंड ऑफ हर थर्टी थ्री ईयर कोर्स तो उसका तीन साल का कोर्स था शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स तो उसने बहुत सारे जो टॉप अवार्ड्स थे उसने वो ऑलरेडी रिसीव कर लिए थे and for all this Evelyn wants accept any hint of heroic achievement तो वो मतलब ये कोई इसको महान काम नहीं मानती मानती है heroic achievement means she doesn't feel कि ये कोई महान काम है कि मैंने इतना कुछ सीखा है या इतने कुछ award लिए she is see we can see कि she so humble एंड शी सेज इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेर यू आर गोइंग यू विल गेट दैर वो कहती है कि अगर आप सक, मेहनत करते हो और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो तो आप वहाँ पर पहुँच ही जाओगे एंड शी गॉड राइट टू द टॉप द वर्ल्ड मोस्ट सॉट एवर मल्टी प्रकशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट एंड द हेक्टिक इंटरनेशनल स्कैड्यूल तो वो टॉप में पहुंची कौन से लिस्ट में मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मीन्स मोस्ट पॉपुलर जो मॉस्ट डिमांड में होते हैं जो मल्टी परकशनिस्ट होते हैं उनकी जो मल्टी परकशनिस्ट की लिस्ट में वो सबसे टॉप पे थी विद द मास्टरी ऑफ थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट और वो कम से कम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती थी एंड अ हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल हेक्टिक मीन्स बिजी तो उसका जो स्केड्यूल था मतलब उसके बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स होती थी वो जगह जगह जाके सोलो परफॉर्मेंसेस देती थी एंड शी कैप्ट ऑन मूविंग इट इज इंटरग्यूइंग टू वॉच एवर इन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग इंटरग्यूइंग मीन्स फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस तो कहते हैं जब उसको एवेलिन अपनी परफॉर्मेंस दे रही होती है वो सुन भी नहीं पाती है मगर फिर भी उसकी परफॉर्मेंस देख के ये पता नहीं चलता है कि वो सुन नहीं पा रही है इन आर इन आर टू आर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड तो जब आ, वो ले रहे थे आ, जो इंटरव्यू ले रहा था उसका तो से ही सेइंग कि जब मैंने उसका दो घंटे का इंटरव्यू लिया उसने एक भी मेरा वर्ड मिस नहीं किया मीन्स मेरे वर्ड टू तो वर्ड वो सब हर चीज़ को समझी मैन विथ बुशी बेर्ड्स गिव मी ट्रबल तो वो कहती जो आदमी जिन मैन uh, की बुशी बेर्ड होती है मतलब ज़्यादा गहरी ज़्यादा uh, लंबी सी बेर्ड होती है दाढ़ी होती है उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आती है शीलाव इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज वो कहते हैं जब मैंने किसी की बातों को समझना होता है वो सिर्फ उनके लिप्स को नहीं देखना होता है पूरे फेस के एक्सप्रेशन देखने पड़ते हैं पढ़ने पड़ते हैं समझने पड़ते हैं और स्पेशली आइज को देखना पड़ता है शी स्पीक्स फ्लॉलेसली फ्लॉलेसली मीन्स विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक तो बिना कोई गलती किए बिना कोई मिस्टेक uh, किए बोलती है विद दिल्ट लिल्ट मीन्स अ वे ऑफ स्पीकिंग लाइक वी से एसिन तो लिल्ट एक तरह का बोलने का ढंग ही है तो उसमें की जो लैंग्वेज है वो स्कॉटिश में बोलते है मतलब उसमें स्कॉटिश एसिन आता है माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज इलेवन कहता है मेरी बोलने की शीज़ टेलिंग कि मेरे बोलना मेरी बोलने जो स्पीच है मेरी बोलने वाली जो मैं बोलती हूँ वो इतना क्लियर इसलिए होता है क्योंकि मैं जब तक ग्यारह साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी बट दैट डजेंट एक्सप्लें हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज बट कहते इस बात से हमें ये नहीं समझ आता कुछ समझ नहीं आता कि उसने कैसे फ़्रेंच सीखी एंड जैपनीज के जो मास्टर बेसिक चीज़ें हैं वो कैसे सीखी एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स और म्यूज़िक के बारे में वो कहती है इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी तो मेरी पूरी बॉडी में म्यूजिक भरा हुआ है इट टिंगल्स इन द स्किन टिंगल्स मीन्स कॉज इज अ स्लाइट प्रिकलिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन मतलब कहती कि मेरे स्किन में मूवमेंट होती है माई चीक बोन्स एंड इवन इन मै हेयर तो म्यूज़िक की वजह से मतलब मैं कहाँ कहाँ फील करती हूँ मैं अपनी स्किन पर फील करती हूँ चीक बोन्स में फील करती हूँ अपने हेयर में भी सेंसेशन होती है जब मैं म्यूजिक सुनती हूँ वेन शी प्लेज द ओ शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इंटू हर फिंगर टिप्स तो वो जो जायलोफोन बजाती है तो उसको जो साउंड है वो अपनी फिंगर टिप्स पे फील करती है बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेसिस रेजोनेसिस मीन्स इकोज ऑफ साउंड तो कहती है, जब मैं ड्रम के ऊपर लीन करती हूँ झुकती हूँ तो मैं साउंडस uh, की इकोज सुन सकती हूँ फ्लोइंग इंटू हर बॉडी और वो जो इकोज हैं उसकी बॉडी में आती हैं और वो वहाँ पे अपनी बॉडी में फील करती है जैसे वो उसके अंदर बह रही हूँ और ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़ सो दैट द वाइब्रेशन्स पास थ्रू हर बैर फीट एंड अप हर लेग्स तो वो कहाँ परफॉर्म करती है वुडन प्लेटफॉर्म पे और अपने शूज़ को उतार देती है ताकि क्यों करती है ऐसा ताकि जो वाइब्रेशन हैं वो उसके बैर फुट मंथ मीन्स नंगे पैरों में से ऊपर उसके लेग्स के ऊपर जाएँ और वो अपनी बॉडी पार्ट में वो सारी सेंसेशंस फील कर सके नॉट सरप्राइजिंगली एवर इन डिलइट्स आर ऑडियंसिस तो मतलब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जो उसकी ऑडियंस होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है डिलइट मीन्स प्लीजि खुश कर देती है इन नाइनटीन नाइन्टी वन शी वॉज प्रजेंटेड विद द रॉयल फिल हारमोनिक सोसाइटीज़ प्रस्टिजियस सोलोइट ऑफ द ईयर अवार्ड अब उसको नाइनटीन नाइन्टी वन में ये अवार्ड मिला था जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड है

He has given her back something extraordinary. So जो हमने sentence starting में पढ़ा था वो James Blades ने इसके बारे में कहा था कि भगवान ने चाहे उसकी hearing ले ली है but उसको कुछ ऐसा दिया है कि जिसको हम सुनते हैं वो फील करती है ठीक है फार मोर डीपली देन और वो हमसे भी ज़्यादा अच्छा उसको फील करती है दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसिस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली और यही कारण है जिसकी वजह से वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से परफॉर्म कर पाती है फील कर पाती है एवर इन कन्फेसिस कन्फेसिस मीन्स एग्रीज दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्क एहोलिक सॉरी वर्क एहोलिक वर्क एहोलिक पर्सन वो होते हैं जो काम करना बंद नहीं कर सकता जिसके लिए काम छोड़ना मुश्किल हो तो वो कहती है कि मैं वर्क एहलोक एहोलिक हूँ मतलब वो काम नहीं छोड़ सकती आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क कहती मुझे बस काम चाहिए ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस तो मुझे बेशक कई बार उनसे भी ज़्यादा मुश्किल काम मिलता है बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस एनॉर्मस मीन्स बिग कहती मगर जो उसका रिजल्ट मिलता है वो बहुत बड़ा होता है अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स एवलिन इन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजेंट्स एंड हॉस्पिटल्स तो वो रेगुलर uh, अपने कॉन्सर्ट देने के अलावा और क्या करती है फ्री कॉन्सर्ट देती है प्रिजेंट्स एंड हॉस्पिटल्स में ताकि लोगों को चेयर कर सके शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायरिटी टू क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशियंस और वो बहुत प्रायरिटी देती है कि जो यूथ है यूथ यंग म्यूजिशंस हैं उनको क्लासेज दी जाए और वो उसकी प्रायरटी में प्रायरिटी की लिस्ट में है एंड रिचलिन ऑफ द बी थोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज तो एंड रिचलिन है जो कि बी फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की संचालक है उसमें से एक कहती है शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन तो जो बहरे बच्चे हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन है वो दे सी दैट देयर इज नो नो दैट दे कैन नॉट गो और उसकी वजह से वो बच्चों को ये पता चलता है कि कोई ऐसा रास्ता नहीं है कोई ऐसी मुकाम नहीं है जहाँ पे वो पहुँच नहीं सकते एवल इन ग्लैन हैज़ ऑलरेडी अकम्पलिश मोर दैन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर ऐज तो वो अपनी ज़्यादातर जो उससे दुग्नी उम्र के हैं उनसे भी ज़्यादा काम कर चुकी है शी हैज़ ब्रॉड प्रकशन टू द फ्रंट ऑफ द आर्केस्ट्रा परकशन uh, जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट है तो वो ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट में ले आई है एंड डेमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग और उसने बताया कि परकशन प्ले करके उसको सुनना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग uh, हो सकता है और उसको सुनने से बहुत अच्छा फील हो सकता है शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हेंडी कैप हैंडी जो लोग हैं उन उसके लिए वो इंस्पिरेशन है पीपल हु लुक टू हर एंड से तो हैंडी जो लोग हैं वो उसको क्या कहते हैं उसकी तरफ देख के इफ़ शी कैन डू इट आई कैन अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस और उसने कम से कम मिलियंस लोगों को ये खुशी दी है कि उसने इतने अच्छे से परफॉर्म करा है इतने अच्छे से वो काम करती है कि शी हैज़ बिकम एन इंस्पिरेशन फ़ॉर द यंग पीपल फॉर द डेफ पीपल फॉर देंडी कैप्स एंड शी गिव्स प्लेजर टू एवरी वन शी मीड्स सो वी ए नॉलेज फ्राम दिस चैप्टर दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी ऑफ आस हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इफ़ अ गर्ल विद of hearing can कैन प्ले द music she can be a great musician she can uh get so many awards with the hard work then we people we all people who are having we who are uh, having all the senses working very properly parts that means we can do the wonders for and with this thought only I end today's class thank you and have a nice day i hope you enjoyed if still any problem is there any difficulty please do share me with me i'll be waiting for that thank you and have a nice day